वेलकम टू मोना स्मार्ट किचन। आज हम बनाएंगे मैक्रोनी क्रिस्पी। मैंने यहाँ 3 फ्लेवर के मैक्रोनी क्रिस्पी बनाए हैं। एक है इंडियन स्पाइसी स्टाइल, एक है इटालियन स्टाइल और एक है मैगी स्टाइल। ये मैक्रोनी बनाना बड़ा इजी है और सबको अच्छा भी लगता है। बच्चे तो इसे बहुत पसंद करते हैं। आप मैक्रोनी की जगह पास्ता भी ले सकते हो। देखते हैं ये रेसिपी हम लोग कैसे बनाएंगे। हमने यहाँ एक बर्तन लिया है और उसमें आधा लीटर पानी डाला है। उस पानी में 1 चम्मच नमक डाल देंगे और 1/2 चम्मच तेल डाल देंगे और पानी को उबाल आने के लिए छोड़ देंगे। पानी गर्म होने के बाद हम लोग उसमें 200 ग्राम मैक्रोनी डालेंगे और उसे 10 मिनट के लिए बॉईल करने के लिए छोड़ देंगे। मैक्रोनी को उबलते पानी में ही डालना है। यदि आप उसको ठंडे पानी में डालोगे तो वो चिपक जाएंगे। मैक्रोनी डालने के बाद हम उसे हिलाते रहेंगे और 10 मिनट के लिए बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं चेक कर लूँगी मेरे मैक्रोनी अच्छे से बॉईल हुए हैं कि नहीं। मेरे मैक्रोनी अच्छे से पक गए हैं। अब इसे मैं छन्नी से छान लूँगी और उसे 10 मिनट के लिए छन्नी में ही रख दूँगी ताकि उसका एक्स्ट्रा का पानी निकल जाए। 10 मिनट बाद हमने एक बर्तन में बॉईल किए हुए मैक्रोनी ले लिए हैं और उसमें हम 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल देंगे और सभी मैक्रोनी को अच्छे से हाथ से मिलाकर कॉर्नफ्लावर का कोटिंग कर लेंगे। हाथ से कोटिंग करोगे तो मैक्रोनी टूटने के चांसेस है, इसलिए बर्तन को शेक करके भी इसको कॉर्नफ्लावर का कोटिंग कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे अभी किया है। अभी हम मैक्रोनी को तेल में डीप फ्राई कर लेंगे। मैंने एक कढ़ाई में मैक्रोनी फ्राई करने के लिए थोड़ा सा तेल लिया है। तेल गर्म करने के बाद हम लोग उसमें मैक्रोनी डाल देंगे। मैक्रोनी डालने के बाद हमें गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है और इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। और जब हमें लगे कि मैक्रोनी अभी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं तभी हमें गैस की फ्लेम लो कर लेना है। अब हम उसे निकाल लेंगे और छन्नी में ही रहने देंगे जिससे उसका जो एक्स्ट्रा का ऑयल है वो नीचे निकल आएगा। सेम प्रोसीजर हम बचे हुए मैक्रोनी के लिए भी कर लेंगे। मैक्रोनी का एक बैच फ्राई करने के लिए हमें 3 से 4 मिनट तक का टाइम लगा है। मैक्रोनी फ्राई करते टाइम हमने गैस का फ्लेम मीडियम पे रखा है और जब निकालने का टाइम आता है तब हम गैस का फ्लेम लो पे रखेंगे। इसी तरह हमने सारे मैक्रोनी फ्राई कर लिए हैं। अभी हम इटालियन स्टाइल मैक्रोनी कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। मैंने यहाँ एक बर्तन लिया है और उसमें मैं 1 कप मैक्रोनी डाल दूंगी। उसमें मैं 1 चम्मच पिज्ज़ा सीजनिंग ऑर्गेनो डालूंगी और 1 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स डालूंगी और उसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। आप इसे हाथ से या चम्मच से मिक्स कर सकते हो, पर मैंने यहाँ एक डब्बे का यूज़ किया है। उसका ढक्कन लगा के इसको अच्छे से मैं शेक कर लूँगी। उससे सारा मसाला मैक्रोनी के ऊपर अच्छे से कोट हो जाएगा। मेरी इटालियन स्टाइल क्रिस्पी मैक्रोनी अभी रेडी है और इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इंडियन स्पाइसी स्टाइल मैक्रोनी कैसे बनाते हैं वो हम लोग देखेंगे। मैंने यहाँ पे एक बर्तन लिया है और उसमें 1 कप मैक्रोनी डाल दिए हैं। अब उसमें हम 1/2 चम्मच चाट मसाला डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और डब्बे का ढक्कन लगा के इसको अच्छे से शेक कर लेंगे। हमारे इंडियन स्पाइसी स्टाइल मैक्रोनी रेडी है और इसको हम लोग एक बाउल में निकाल लेंगे। अभी हम देखेंगे मैगी स्टाइल मैक्रोनी कैसे बनाते हैं। ये बनाना बड़ा ही सिंपल है। हमने यहाँ पे एक बाउल लिया है और उसमें 1 कप मैक्रोनी ले लिए हैं। इसमें हम लोग 1/2 पैकेट मैगी मसाला डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप मसाला आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, पर बच्चों को मैगी मैक्रोनी बहुत पसंद आते हैं। हमारे 3 टाइप के क्रिस्पी मैक्रोनी रेडी है। इन सब में आप मसाले अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। इसका शेल्फ लाइफ 1 महीने तक का है। आप इसे एयरटाइट कंटेनर में पैक करके 1 महीने के लिए खा सकते हो। मैक्रोनी बॉईल करते टाइम ध्यान रखना है, ज़्यादा बॉईल हो जाएगा तो जब हम लोग कॉर्नफ्लावर का कोटिंग करेंगे तो मैक्रोनी टूटने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे।
यदि आपको चीज़ पसंद है तो इटालियन स्टाइल मैक्रोनी में आप चीज़ ग्रेट करके डाल सकते हो और उसको डालने के बाद अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा, पर उसे आपको 3 से 4 दिन में ख़त्म करना पड़ेगा। मैक्रोनी फ्राई करते टाइम यदि आपको लग रहा है कि अभी मैक्रोनी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तब गैस की फ्लेम तुरंत कम करना है। यदि आप मीडियम फ्लेम पे ही रखोगे तो मैक्रोनी जल जाएंगे और उसका कलर व्हाइटिश पिंकिश से ब्राउन हो जाएगा। आप ये रेसिपी बनाइए, खाइए और मुझे ज़रूर बताइए। और अगली कौन सी रेसिपी बनानी है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। डू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोना स्मार्ट किचन एंड हिट द बेल आइकॉन।